प्यारे मित्रों, वीडियो के इस पार्ट में हम लोग देखिए फोर बियरिंग एंड बैक बियरिंग के बारे में स्टडी करेंगे। देखिए ये फोर बियरिंग एंड बैक बियरिंग होता क्या है, मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। और देखिए एक बात और कहना है, इसी पर न्यूमेरिकल आता है और ये जो है डेफिनेशन भी इसका पूछा जा सकता है फोर बियरिंग एंड बैक बियरिंग का। तो ये देखिए एक्चुअल में हेडिंग यही है, फोर बियरिंग एंड बैक बियरिंग। तो देखिए मैं ये बताना चाहता हूं आपको, जो ईच लाइन के टू पार्ट होते हैं, ईच लाइन के टू पार्ट होते हैं, एक स्टार्टिंग पार्ट और दूसरा एंड पार्ट। देखिए कोई भी लाइन है उसके जो है ये स्टार्टिंग पार्ट है और सपोज करिए ये एंड पार्ट है। इसका मतलब ये हुआ कि जो ईच लाइन है उसके टू बियरिंग भी होंगे। ध्यान दीजिए, इसका मतलब ईच लाइन के टू बियरिंग होते हैं जो उसके बोथ एंड पर मेजर किए जाते हैं किसी लाइन के स्टार्ट पॉइंट पर वर्क के प्रोग्रेस के डायरेक्शन अर्थात फॉरवर्ड डायरेक्शन में मेजर बियरिंग फोर बियरिंग कहलाता है। देखिए फोर बियरिंग कहलाता है। अब आप समझ गए होंगे, अभी मैं इसके बारे में डिटेल बताऊंगा भी। फोर बियरिंग कहलाता है तथा अदर एंड पर वर्क प्रोग्रेस के अपोजिट अर्थात
बैकवर्ड, देखिए बैकवर्ड, बैकवर्ड डायरेक्शन में, डायरेक्शन में मेजर्ड, मेजर्ड बियरिंग, मेजर्ड बियरिंग, बैक बियरिंग, बैक बियरिंग, बैक बियरिंग कहलाता है, बैक बियरिंग कहलाता है। यहां एक बात और मैं बताना चाहता हूं कि देखिए किसी किसी लाइन के, किसी लाइन के फोर बियरिंग के, फोर बियरिंग एंड बैक बियरिंग, बैक बियरिंग का डिफरेंस, डिफरेंस 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। ये मैं आपको अभी मैं डिटेल में बता रहा हूं। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट आइटम है। देखिए एक्चुअल में जो ईच लाइन होता है, देखिए ये ईच लाइन है, तो इसका ये स्टार्ट पॉइंट है और ये क्या है, एंड पॉइंट है। तो इसीलिए किसी भी लाइन के टू बियरिंग होते हैं, एक स्टार्ट पॉइंट पर और एक एंड पॉइंट पर। तो देखिए मेरे कहने का मतलब ये है उसके बोथ एंड पर मेजर किए जाते हैं बियरिंग, यहां भी और यहां भी। किसी लाइन के स्टार्ट पॉइंट पर वर्क के प्रोग्रेस के डायरेक्शन, मान लीजिए ये ए है, ये आपका बी है, मान लीजिए और दूसरी लाइन सी है, तो वर्क के प्रोग्रेस का डायरेक्शन ये है आपका ए बी सी, इसी तरह डी, बात समझिए। तो वर्क के प्रोग्रेस का डायरेक्शन अगर ये है, तो देखिए कहना क्या चाहता है कि एक्चुअल में जो, मतलब इसको आप क्या भी बोल सकते हैं, फॉरवर्ड डायरेक्शन, इसका मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में जो मेजर किया हुआ बियरिंग होता है, ध्यान दीजिए, उसी को क्या कहते हैं, फोर बियरिंग। मतलब देखिए स्टार्ट पॉइंट पर, अच्छा उसी तरह से अदर इंड, देखिए ये लाइन ए बी है, इसके दो 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 पॉइंट, ये स्टार्ट पॉइंट हो गया और ये इंड पॉइंट हो गया। तो यहां पर जो बियरिंग मेजर की जाएगी वो क्या हो जाएगा, फोर बियरिंग। और यहां पर जो बियरिंग मेजर की जाएगी, देखिए इसमें साफ लिखा हुआ है कि जो है, तथा अदर इंड पर, देखिए ये अदर इंड है, पर वर्क के प्रोग्रेस के अपोजिट, लेकिन अपोजिट अर्थात बैकवर्ड डायरेक्शन में, भाई बैकवर्ड डायरेक्शन अभी मैं बताऊंगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में मेजर्ड जो बियरिंग है उसी को क्या कहते हैं, बैक बियरिंग। तो हमें आपको ये बताना है कि देखिए जो एक बात और भी है, जो फोर बियरिंग और बैक बियरिंग अभी हमने आपको डेफिनेशन बताया, क्लियर अभी समझ में भी आ जाएगा, उसका जो डिफरेंस होता है वो 180 डिग्री होता है। क्या होता है, 180 डिग्री होता है। सपोज करिए ये देखिए ये नॉर्थ है, चलिए कोई बात नहीं। अब देखिए इसमें एक एक लाइन हमने ड्रॉ कर दिया, देखिए ए बी लाइन ड्रॉ कर दिया, देखिए आप समझिए इसको, अच्छा वर्क का डायरेक्शन ए टू बी है, चलिए एक लाइन और ड्रॉ कर लीजिए, ए सी ए बी सी है, तो यहां भी एक नॉर्थ आप क्या करिए ड्रॉ कर दीजिए, यहां भी एक नॉर्थ जो है क्या करिए आप, देखिए ये भी ड्रॉ हो गया, ठीक है
ये नॉर्थ है तो इधर क्या हो जाएगा, साउथ हो जाएगा, इधर देखिए साउथ हो जाएगा, इधर क्या होगा, इधर साउथ हो जाएगा। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि देखिए ये जो लाइन ए बी है इसका स्टार्ट पॉइंट ये है। तो देखिए बियरिंग क्या होता है, बियरिंग जो है देखिए ये नॉर्थ है, ए बी नॉर्थ है, ए बी नॉर्थ है, तो नॉर्थ से उस लाइन के बीच का एंगल बियरिंग कहलाता है। तो देखिए ये चूंकि देखिए ये बियरिंग हो गया आपका, क्लियर समझिए। तो चूंकि स्टार्ट पॉइंट पर ये बियरिंग है इसीलिए इसको कहते हैं फोर बियरिंग। इसको क्या कहते हैं, लाइन ए बी का फोर बियरिंग, ए बी लाइन का फोर बियरिंग। अच्छा अब देखिए जो ए बी लाइन है उसका बी जो है, ये बी पॉइंट जो है वो एंड पॉइंट है ए बी लाइन का। तो यहां पर देखिए यहां नॉर्थ के सापेक्ष, देखिए एक्चुअल में यहां जो है नॉर्थ के सापेक्ष जो, ये देखिए ध्यान से समझिए, इसका मतलब ये हुआ अगर ये सपोज करिए थीटा वन है और ये क्या है, मान लीजिए ये थीटा टू है, तो हमारा ये कहना है ये इसका क्या होगा, बैक बियरिंग होगा। अब हम आपको बताते हैं ये जो थीटा वन क्या है, थीटा वन फोर बियरिंग होगा, थीटा वन फोर बियरिंग किसका, ए बी का, किसका, ए बी का। और थीटा टू जो होगा वो आपका बैक बियरिंग होगा, बैक बियरिंग लेकिन किसका, ए बी का, ए बी का बैक बियरिंग होगा। जरा ध्यान दीजिएगा ए बी का ये बैक बियरिंग होगा। अब जरा देखिए अगर हम लोग देखिए यहां पर थोड़ा सा जगह की कमी है लेकिन फिर भी आपको मैं ये देखिए ये जो एंगल है नॉर्थ के सापेक्ष है, देखिए ये फोर बियरिंग ए बी हो गया और इसको मैंने थीटा थ्री सपोज करिए थीटा थ्री है, तो इसका मतलब जो थीटा थ्री है वो क्या है, फोर बियरिंग है। लेकिन वो फोर बियरिंग किसका है, बीसी का, फोर बियरिंग बीसी का। देखिए ये बीसी का जो है फोर बियरिंग है। अब यहां पर फिर आप क्लियर समझ गए होंगे कि ये जो बियरिंग होगा, क्लियर समझिए ये जो है बीसी का जो है बैक बियरिंग होगा, बीसी का ये बैक बियरिंग होगा। इसको हमने क्या किया है, सपोज करिए थीटा फोर है, तो ये जो थीटा फोर है ये क्या है आपका, बैक बियरिंग, क्या है, बैक बियरिंग बीसी का। तो हमारे ख्याल से अब आप क्लियर समझ गए होंगे कि देखिए इसीलिए मैंने आपसे कहा भी, देख लीजिए थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए, हमने ये भी कहा कि जो है किसी लाइन के फोर बियरिंग और बैक बियरिंग का डिफरेंस 180 होता है। थोड़ा देखिए समझने की कोशिश करिए, एक्चुअल में ये जब आप समझेंगे तो क्लियर हो जाएगा। हमारा ये कहना है कि देखिए ये क्या है आपका, थीटा वन है जो कि फोर बियरिंग है, ये फोर बियरिंग है। मैं रेड पेन का यहां पर यूज करूं तो आपको और क्लियर समझ में आएगा। देखिए एक्चुअल में क्या है, देखिए ये लाइन और ये लाइन, ये लाइन और ये लाइन क्या है, पैरेलल है भाई, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है। तो आपको समझना चाहिए, देखिए एक्चुअल में ये एंगल और ये नीचे यहां का एंगल, ये दोनों एंगल क्या होगा, इक्वल होगा। थोड़ा सा समझिए, ये भी एक्चुअल में थीटा वन ही होगा। अरे भाई एक्चुअल में इसको आप लोग हिंदी में पढ़े होंगे, एकांतर कोण, ये एकांतर कोण है, और इंग्लिश में अल्टरनेट जो है इंटरनल एंगल कहलाता है ये। तो ये देखिए
आप देख थीटा वन तो ये भी थीटा वन। अच्छा ये टोटल बैक बियरिंग है, जरा ध्यान दीजिए ये टोटल बैक बियरिंग है। तो इसका मतलब ये हुआ कि देखिए इस बैक बियरिंग में 180 प्लस थीटा वन। तो इसीलिए मैं कहा भाई आप क्लियर समझ गए होंगे कि बैक बियरिंग क्या है। देखिए बैक बियरिंग क्या है, देखिए बैक बियरिंग आपका क्या है 180 प्लस थीटा वन है। अरे भाई 180 भाई यहां से देखिए हम रेड से आपको डिनोट कर रहे हैं। ये देखिए ये क्या है, यहां से यहां तक 180 है। तो देखिए ये टोटल बैक बियरिंग है, टोटल क्या है बैक बियरिंग है। तो देखिए इसको हम 180 या प्लस थीटा वन नहीं लिख सकते, लिख तो सकते हैं। अच्छा और फोर बियरिंग कितना है बताइए, थीटा वन है। देखिए हमने आपको क्या बताया है कि किसी लाइन के फोर बियरिंग एंड बैक बियरिंग का डिफरेंस 180 होता है। तो देखिए ये बैक बियरिंग ए हो गया, फोर बियरिंग ए हो गया, दोनों को डिफरेंस करिए तो देखिए 180 प्लस थीटा वन माइनस ये फोर बियरिंग है थीटा वन। तो देखिए अब दोनों को आप कैंसिल कर दीजिए, देखिए ये माइनस ये प्लस है तो कितना आ गया 180 आया कि नहीं आया। इसीलिए मैंने कहा था कि फोर बियरिंग और बैक बियरिंग का जो डिफरेंस होता है वो 180 होता है। चाहे आप इस तरह से बोलिए या ये भी बोल सकते हैं कि बैक बियरिंग और फोर बियरिंग का डिफरेंस 180 होता है। तो आप क्लियर समझ गए होंगे।